हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार द्विवेदी। आज हम लोग समास के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग समास पढ़ेंगे। इसके पहले विशेषण, शब्दनिर्माण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग समास के बारे में बात करेंगे। उपसर्ग भी पढ़ लिए हैं, परते भी पढ़ लिए हैं। समास, समास की परिभाषा देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द जो बनता है, चाहे बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, ठीक। विश्राम जोड़ गृह, विश्राम गृह हो गया, तो विश्राम के लिए गृह। घोड़ा पर सवार यानी घुड़सवार, यानी घोड़े पर सवार। तो जब समास की रचना होती है, जब समास की रचना होती है तो उसमें प्रायः दो पद होते हैं। जो पहला पद होता है, जैसे यहाँ माता पिता आया है, पहला पद और उत्तर पद, यानी जो पहला पद होता है वो उसको पूर्व पद कहते हैं, और दूसरा जो पद होता है इसको उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, तो कुछ है कि समास से बने पद को समस्त पद कहते हैं। समास से जो शब्द बन जाता है, जैसे माता पिता हो गया, ये समस्त पद हो गया, और माता और पिता जो हम कर दिए वो विग्रह हो गया, यानी समास से बने पद को समस्त पद कहते हैं। समस्त पद के अंगों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, जैसे गंगा जल हम लेते हैं, यानी गंगा जल, गंगा जल क्या हो गया, समस्त पद हो गया, और गंगा क्या है, पूर्व पद है, और जल उत्तर पद है, तो गंगा जल का समास होगा, विग्रह क्या हो जाएगा, गंगा का जल। ठीक है, इसको समझ लिए होंगे। अब इसको आप अपने कॉपी में फिर में नोट करें, और नोट कर करके इसको आगे अब हम लोग पढ़ेंगे। इसके भेद के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब हम लोग ध्यान देंगे, समास के छह भेद होते हैं। समास के छह भेद होते हैं। पहला द्विभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व स्वा समास, पांचवा क्रमधारय समास, छठा बहुव्रीही समास। तो इसके अलग अलग हम लोग परिभाषा समझेंगे। अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास जिस समास का पहला पद प्रधान होता है और अव्यय भी होता है, तथा समस्त पद क्रिया विशेषण का कार्य करता है, वहाँ अव्यय भाव समास होता है। जैसे यथा शक्ति, यानी शक्ति के अनुसार विग्रह हो जाएगा, शक्ति के अनुसार समस्त पद क्या हो गया, यथा शक्ति। प्रत्येक, प्रत्येक विग्रह हो जाएगा, अमरण यानी मरण तक उसका विग्रह हो जाएगा। उसके बाद से रातों रात जैसे कहते हैं, यानी रात ही रात में। तो इसको आप लोग अव्ययभाव समास की परिभाषा लिखिए। इसके आगे हम लोग तत्पुरुष समास के बारे में समझेंगे। इसको नोट कीजिए। अब अव्ययभाव समास के बाद तत्पुरुष समास में आएंगे हम लोग। जिस समासिक शब्द का उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में जिस समासिक शब्द का उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में समस्त पद बनाने समय पूर्व पद यानी बनाते समय है ना, पूर्व पद यानी पहला पद का जो विभक्ति चिन्ह होता है उसका लोप हो जाता है। जैसे गंगा का जल, गंगा जल रसोई के लिए धर है ना, तो के लिए यहाँ का क्या हो गया, विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया, आ के लिए यहाँ क्या हो गया, लोप हो गया, यानी रसोई घर बन गया है ना। इस प्रकार से
काम से जी चुराने वाला उसको काम चोर कहते हैं, जो काम से जी चुराता है, या आप पर बीती यानी आप बीती। अब इसके तत्पुरुष समास के, जैसे समास के छह भेद होते हैं, उसी छह भेद में से तत्पुरुष समास के छह उपभेद होते हैं, जो कर्म कारक यानी विभक्ति के आधार पर होता है। उसका छह उपभेद जो होते हैं वो विभक्ति के आधार पर होता है, कर्म तत्पुरुष यानी कर्म से लेकर के और आपको अधिकरण तक जो है होता है विभक्ति के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग कर्म तत्पुरुष के बारे में देखेंगे। कर्म तत्पुरुष है ना, तो कर्म यानी कर्म कारक की विभक्ति जो होता है, विभक्ति चिन्ह को होता है, ये जो होता है को होता है, विभक्ति चिन्ह को होता है कर्म तत्पुरुष का। इसमें समस्त बनाते, जब बनाते हैं तो इसका लोप हो जाता है, जैसे ग्रामगत यानी ग्राम को गया हुआ गगन चुंबी, गगन को चुंबने वाला, जब इसका समस्त पद हमने बनाया ग्रामगत और गगन चुंबी, तो इसमें को जो है विभक्ति चिन्ह ये लोप हो गया। उसी प्रकार से है ना, इसका लोप हो जाता है। उसी प्रकार से यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त करने वाला, ग्रंथ का यानी ग्रंथ को लिखने वाला, तो उसमें को क्या होता है, विभक्ति लोप हो जाता है। उसी प्रकार से करण तत्पुरुष में होता क्या है कि करण तत्पुरुष में जब करण कार्य की विभक्ति से के द्वारा जो है लोप हो जाता है, जब उसका भी समस्त पद बनाते हैं तो, यानी जन्म रोगी यानी जन्म से रोगी, जब हमने बनाया जन्म से रोगी तो वो जन्म रोगी समस्त पद बन गया और विग्रह हो गया जन्म से रोगी, तो से जो है इसका भी विभक्ति चिन्ह जो है क्या हो गया, लोप हो गया। ग्रंथकार यानी उसके बाद से गुण युक्त यानी गुण से युक्त, तो से उसमें भी क्या हो गया, विभक्ति चिन्ह है वो भी लोप हो गया। अब आगे हम देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष के बारे में। संप्रदान तत्पुरुष में होता क्या है, इसका विभक्ति चिन्ह को है, के लिए, संप्रदान का के लिए होता है ना, जब इसका हम समस्त पद बनाते हैं तो इसका भी विभक्ति चिन्ह जो है इसमें भी लोप हो जाता है। जैसे देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, पत्र पेटी, पत्र के लिए पेटी है ना, माल गाड़ी यानी माल को ढोने के लिए, चाहे माल के लिए गाड़ी है ना, डाक टिकट यानी डाक के लिए टिकट, तो इसमें इसमें भी क्या हो गया, के लिए जो है यहाँ लोप हो गया। अपदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष जो है ना, गम संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष इसका अलगाव होता है यानी अलग होना, तो पत्रहीन यानी पत्र से हीन यानी पत्रहीन, ऋण मुक्त, घर से निकाला यानी घर निकाला, समस्त पद घर निकाला, जब इसका समस्त पद होगा तो उसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, लोप हो जाता है। रोग मुक्त यानी रोग से मुक्त, जैसे मान लीजिए हम इसका समस्त पद बना दिए रोग मुक्त, और इसका जब विग्रह करेंगे तो रोग से मुक्त हो जाएगा यानी मुक्त। बहुत सारे उदाहरण है इस पर है ना, चलिए इसको आप फिर कॉपी में अपने नोट कीजिए। चलिए अब जो उपभेद जो था बाकी, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष में होता है, इसमें कर्म कारक की विभक्ति का की होता है ना, और जब इसका समस्त पद बनाते हैं तो इसका विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे सेनापति, सेना का पति, सेनापति यानी सेना का पति, यहाँ का जो है सेनापति, सेना का पति समस्त पद जब बना तो क्या हो गया, विभक्ति चिन्ह जो का है उसका लोप हो गया। पवन पुत्र, पवन का पुत्र, यहाँ भी क्या हुआ, विभक्ति चिन्ह का जो है तो पवन पुत्र, तो कर्म तत्पुरुष में समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्ह उसका काको की जो चिन्ह है विभक्ति चिन्ह उसका लोप हो जाता है। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष में भी वही होता है कि मे पर होता है, जब उसका भी समासिक पद बनाते हैं तो समस्त पद बनाते हैं समास में तो उसका भी विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे वनवास, वन में वास, और घुड़सवार, घोड़े पर सवार,
जो घोड़े पर सवार होते चलते उसी को घुड़सवार कहते हैं। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश यही होता है क्या चीज आपका, ये जो है घुड़सवार। तो हम लोगों ने समास में अव्यय भाव समास और तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास के उपभेद को हम लोगों ने जान लिया। अब अगले में पार्ट टू में जो है हम लोग आगे इसका जो परिभाषा है उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आप लोग का कुछ गृह कार्य है, गृह कार्य के रूप में आप लोग अभी जो उपभेद हमने छह पढ़ाया विभक्ति के आधार पर छह भेद होते हैं तत्पुरुष समास के, छह उस छह भेद में से उस छह भेद के आधार पर आप लोग को गृह कार्य के रूप में आप लोग उदाहरण लिख करके लाएंगे। जब विद्यालय खुलेगा तब उस समय उसको चेक किया जाएगा, आप लोग से मांगा जाएगा, आप लोग दिखाएंगे, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। धन्यवाद।